विदेशी ओलंपियनों से समर्थन मांगेंगे पहलवान। अमेरिका की हेलेन मेरोलिस दे चुकी हैं समर्थन, अन्य को लिखे जाएंगे पत्र। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवान अब देशवासियों से ही समर्थन मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाने का फैसला लिया है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने सोमवार को कहा कि वे इस न्याय की लड़ाई में दूसरे देशों के ओलंपियनों और ओलंपिक पदक विजेताओं से समर्थन मांगने जा रहे हैं। वे इस बारे में उन्हें ईमेल लिखेंगे और उनके समर्थन देने की गुहार लगाएंगे। पहलवानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 21 मई तक का समय दे रखा है। अगर इस अवधि में भी कुछ नहीं हुआ तो वे बड़ा फैसला लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे प्रदर्शन। विनेश ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे, हम उन्हें लिखेंगे और उनसे समर्थन की अपील करेंगे। अमेरिका की रियो ओलंपिक चैंपियन और 3 बार की विश्व विजेता हेलेन मेरोलिस धरने को सोशल मीडिया पर समर्थन दे चुकी हैं। कनाडा की कुछ महिला पहलवानों ने भी धरने को समर्थन दिया है। रविवार रात धरना बाधित करने की हुई कोशिश, विनेश ने कहा कि रविवार की रात कुछ लोगों ने उनके धरने को खराब करने की कोशिश की। यही नहीं, धरना स्थल पर कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया। विनेश ने कहा कि कुछ लोगों ने रात में उनके धरने को बाधित करने का प्रयास किया। पहले भी ऐसा हुआ था जब उनकी ओर से धरना स्थल पर बेड लाने की कोशिश की गई थी, लोग उनका पीछा कर रहे थे और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक अनजान महिला ने तो धरना स्थल पर रात में उनके साथ सोने की भी कोशिश की। उनकी कोशिश हमारे न्याय की लड़ाई और धरने की छवि को खराब करने की है।